हरिओम। आइए अब हम सीखते हैं कि सुबह से शाम तक हम क्या करें। हम रात को सोए, सुबह जगे, बिस्तर पे बैठे बैठे सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे जिसको हम मानते हैं। उसके बाद सीधे टॉयलेट जाएंगे। अपने आप पेट साफ हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर अपने आप पेट साफ नहीं होता तो हमारे पास एक ये टोना है, इसको मेडिकल भाषा में अनीमा बोला जाता है और हमारी भाषा में टोना बोला जाता है, क्योंकि ये उससे अलग है। इसके अंदर पानी की मात्रा केवल आधा ग्लास, ज़्यादा मात्रा रखने से आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अंदर पानी ताज़ा, पानी गर्म डालने से आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अंदर ट्यूब का साइज छोटा, ट्यूब की साइज बड़ा होने से पानी प्रेशर के साथ जाता है, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। इसको कौन कौन समझेगा कैसे लेना है? नंबर एक, जिनका सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता, पहले पहले इसको लेना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। फिर आपका जैसे जैसे जीवन परिवर्तन होगा, जैसे जैसे भोजन परिवर्तन होगा, तैसे तैसे इसकी आदत अपने आप छूट जाएगी। डरना मत, ये आपको कोई बीमारी देके नहीं जा रहा कि आपके साथ लग जाएगी और फिर छूटेगी नहीं। पहली बात, इसको कब्ज वाले समझेंगे। दूसरा, आपको क्या बोला, नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, दर्द को बिना दवाई के ठीक करना होगा। जब जब आपको बुखार आ जाए, जब जब आपको जुकाम आ जाए, उसका कारण कब्ज होता है, उस टाइम इसको सुबह शाम दो टाइम लेना पड़ेगा एक दो दिन के लिए। जैसे ही जुकाम ठीक हो गया इसको बंद, जैसे ही बुखार ठीक हो गया इसको बंद, सुबह शाम दो टाइम। इसका मतलब इसको लेने की विधि प्रत्येक व्यक्ति को समझनी पड़ेगी। आइए श्री विजय खुराना जी, आप समझाइए। इसको इस्तेमाल हमें करना है दो अवस्थाओं में। पहला तो तब जब हम सुबह टॉयलेट के लिए जाएं, हमारा पेट साफ ना हो, या हाँ पेट साफ हुआ लेकिन पूरी तरह तसल्ली नहीं हुई, तब इसका इस्तेमाल करना है। और दूसरा करना है नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, थोड़ा फुंसी की अवस्था में। उस समय अगर सुबह पेट साफ भी हो जाए तो भी इसको दो दफा दिन में इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार जल्दी ठीक होगा, हमें जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अब इसको इस्तेमाल करने की विधि है कि ये ग्लास है, ग्लास बना हुआ है, इसके अंदर एक छेद है, इस छेद में एक धागा सुतली डाल करके इसको टांग देंगे। इसको इतनी ऊंचाई पर टांगेंगे कि ये ट्यूब नीचे लग जाए और इतनी ऊंचाई पर ये ग्लास रहेगा। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे आधा ग्लास। पानी होगा बिल्कुल नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का होता है, लेकिन अगर गर्मियाँ हो और टंकी से पानी आ रहा है तो पानी बहुत गर्म हो तो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी पानी ऐसा होना चाहिए जैसे घड़े का सराही का पानी होता है। वो आधा ग्लास का मतलब करीब 125 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर पानी हम इसमें डालेंगे। और इस ट्यूब के आगे एक टूटी नुमा ये नॉब बनी हुई है, इसकी टूटी को हम खोल देंगे। इसको जैसे खोलेंगे आगे एक छेद है, इस छेद से थोड़ा सा जैसे ही पानी निकले तो इस टूटी को बंद कर दें। ऐसा करने से क्या हुआ, जो एयर बबल्स होते हैं पाइप के अंदर वो निकल जाएंगे और जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो पानी आसानी से हमारे गुदा द्वार में चला जाएगा। अब हमने पानी भर दिया इसमें, इसकी एयर बबल्स को बाहर कर दिया। हम लेट करके या बैठ करके, हमारी पुस्तकों में भी इसकी विधि दी हुई है, उसमें कुछ पोज भी दिए हुए हैं, उनकी सहायता भी आप ले सकते हैं। ये आगे जो ट्यूब का पोर्शन है, छेद से आधा इंच आगे का पोर्शन हमने गुदा द्वार से अंदर लेकर के जाना है। इसको जब अंदर चला जाए
तो इस ट्यूब को खोल देंगे या टूटी को खोल देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इस पाइप से पानी अंदर जा रहा है और हमें मालूम पड़ेगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो भी हमें मालूम पड़ेगा, जब पानी खत्म हो जाए, जब पानी गिलास का खत्म हो जाए तो हम इस नोजल को बाहर निकाल लेंगे गुदा द्वार से और खड़े होकर के हाथ को थोड़ा गीला कर लेंगे पानी से और नाभि के चारों तरफ हल्की सी मालिश करेंगे। अब जो पानी अंदर गया है, पानी का तापमान कम होता है, अंदर तापमान ज्यादा है, तो पानी जो अंदर गया, अंदर से जो बल आंखों के साथ चिपका हुआ है उसको छुड़ाएगा और हमारी कब्ज भी टूटेगी। तो जो अंदर से बल निकलेगा वो प्रेशर बनता है एकदम से, जो पानी गया है 10 मिनट से ज्यादा अंदर नहीं रुक पाएगा। इसलिए जब हम इस टोनर का इस्तेमाल करेंगे तो टॉयलेट के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि हमें इमीडिएटली टॉयलेट जाना पड़ेगा। अगर हम इसको पानी अंदर लेने के बाद में घर से बाहर नहीं चले गए तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए टॉयलेट के आसपास ही रहें और जैसे ही प्रेशर बने टॉयलेट जाकर के अपना पेट साफ कर लें। अब इसमें ये जो टोना है और जो मेडिकल में अनीमा होता है इसमें अंतर है। जो मेडिकल में अनीमा है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये पाइप का साइज लंबा होता है, मात्रा और पाइप का साइज लंबा होने से जो पानी अंदर जाता है वो प्रेशर के साथ जाता है, वो हमारी आंतों को कमज़ोर कर देता है। इसमें ताज़ा पानी है, मात्रा कम है, वो हमारी आंतों को टोन अप करेगा। और इसके अंदर हम कोई साबुन का घोल, कोई केमिकल ग्रेसलिन, कुछ चीज़ नहीं डालने के लिए बोलते हैं। जो मेडिकल में है उसमें कुछ ना कुछ साबुन का घोल, कुछ केमिकल ग्रेसलिन, कुछ ना कुछ चीज़ में डाल करके फिर अनीमा कराया जाता है, उससे भी आंतें कमज़ोर होती हैं और उसकी आदत पड़ जाती है। यानी जो हमारा पर्पज है कि कब्ज को खत्म करना है वो पर्पज खत्म नहीं होता, इससे हमारी आदतें नहीं पड़ती है। आगे चल के हम अपने भोजन में सुधार करेंगे और इसके आदत हमें नहीं बनेगी बल्कि आदत छूट जाएगी। समझ में लग गया इसका इस्तेमाल तो अच्छी बात, नहीं समझ में लगा तो हाथ खड़ा कीजिए। सबको समझ में लगा, किसी को संकोच वश हाथ खड़ा नहीं किया गया तो जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, बुढ़लाडा वाले हैं, सुनाम वाले, लहरा वाले, जितने भी हमारे टीम मेंबर जो बाहर के शहरों से आए हैं, आपके लिए ये कार्य है। आपका काम, हमारे टीम मेंबर का काम, प्रोग्राम शुरू होने से पहले शुरू हो जाता है आधा घंटा और समापन होने के बाद तब तक चलेगा जब तक यहाँ पर एक भी व्यक्ति खड़ा है और वो कहता है मेरे को ये तो समझ में नहीं लगा, तब तक आप नहीं जा सकते। तो आप भले पहले आइए भले लेट जाइए, अपने शेड्यूल को सेट करें। आपका टाइम 4 से 7 नहीं है, आपका टाइम है, यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जिसको जो चीज़ों के ऊपर मैं जोर देता हूँ उन चीज़ों को समझ में नहीं लगती हैं, उनको समझाना आपका काम है। तो अगर आपको समझ में नहीं लगा तो भी कोई चिंता नहीं, बाद में हमारी टीम आपको समझाएगी। पेट साफ होने के बाद आप खुली हवा में जाएंगे, आप छत पे जाएंगे, आप गली महल्ले में जाएंगे, प्राणायाम करना है। सुबह सुबह खाली पेट प्राणायाम करना है। यहाँ लिखा है कि हम प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा आराम देते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पूरा पढ़ाने लगूं तो इसमें वायु चिकित्सा, आकाश चिकित्सा, जल चिकित्सा ऐसे बोला जाता है, तो उन शब्दों को छोड़ के हम बिल्कुल सीधा सीधा समझेंगे कि प्राणायाम करना है। प्राणायाम हम आपको बिल्कुल साधारण प्राणायाम बताते हैं। तो हमारी टीम में से कोई आएंगे प्राणायाम के लिए? खुराना जी आप ही आइए, आगे के आसान काम इन्होंने अपने पास रख लिए।
सुनने में बहुत ही साधारण क्रिया है, लेकिन बहुत ही जरूरी है। हम जब से इस पृथ्वी पर आते हैं श्वास लेना शुरू करते हैं और जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं श्वास लेते हैं, तो इससे इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं कितना जरूरी है। अगर हम श्वास को एक प्राणायाम का मतलब है सुनियोजित ढंग से श्वास को लेना, ऐसा करने से हमारे श्वास लंबे और गहरे होंगे और हमारे फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी उम्र भी लंबी होगी। तो प्राणायाम करने के लिए सभी लोग अनुलोम विलोम जानते हैं, अधिकतर लोग अनुलोम विलोम जानते हैं, लेकिन जो हम प्राणायाम बता रहे हैं उसमें एक कुंभक क्रिया भी है। कुंभक क्रिया का मतलब है श्वास को रोकना है, श्वास को दो दफा बीच में रोकना होगा, एक दफा नासिका को खाली करने के बाद और एक दफा श्वास अंदर भरने के बाद। इसके लिए हम आपकी सहायता लेते हैं, तो एक तरफ हमारा अंगूठा है, दूसरी तरफ दो उंगलियां हैं, जो बीच की दो उंगलियां हैं इसको हम अंदर मोड़ लेंगे तो हमें इस क्रिया को करते हुए आसानी होगी, हम अच्छे से प्राणायाम कर पाएंगे। तो पहले हम दाई नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से, बाई नासिका से हम अंदर की गंदी वायु को बाहर निकाल लेंगे और फिर दोनों तरफ से नासिका को नथनों को बंद करके श्वास को रोकेंगे। ये जो रोकने की क्रिया है ये होगी बाह्य कुंभक। इस क्रिया को हम अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, जितनी जिसकी क्षमता है उतनी देर श्वास को रोकेगा, जोर जबरदस्ती से या इसकी कोई तय सीमा नहीं है कि कितनी देर इसको रोकना है, जितनी क्षमता हो उतनी देर रोकना है। उसके बाद दाईं तरफ से फिर हम श्वास को अंदर लेंगे, यानी हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे और फिर श्वास को रोकेंगे, फिर उतनी ही क्षमता जितनी क्षमता है उतना ही रोकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रोकेंगे और अंत में फिर बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल देंगे। यानी हमने शुरुआत की थी, जो श्वास को बाहर निकालने की क्रिया है वो रिचक क्रिया है, श्वास अंदर लेने की क्रिया है पूरक क्रिया है, श्वास को रोकने की क्रिया कुंभक क्रिया है। हम रेचक क्रिया से शुरू करते हैं, रेचक पर ही समाप्त करते हैं। अब मैं आपको करके बताऊंगा, तो करते समय जब मैं हाथ को नीचे करूंगा तो आप समझिए कि श्वास बाहर निकाला है, और जब हाथ को ऐसे ऊपर करूंगा तो समझिए कि श्वास अंदर लिया है, और जब हाथ ऐसे करूंगा तो समझिए कि श्वास को रोका है कुंभक क्रिया। जिस साइड से करूंगा आपका इशारा उस तरह से श्वास अंदर लिया है या निकाला है। इतना करने से आधा प्राणायाम हुआ है। इसी तरह से पहले हमने दाईं तरफ से नथने को बंद करके बाईं तरफ से रेचक क्रिया की थी, अब हम बाईं तरफ से नथने को बंद करके दाईं तरफ से रेचक क्रिया। दोनों तरफ से प्राणायाम करने पर एक प्राणायाम पूरा होता है। इस तरह से हम सुबह 10-15 मिनट खुली हवा में करेंगे,
क्योंकि हमें अंदर ऑक्सीजन अच्छी शुद्ध वायु देंगे तो अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, और करते समय हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए, या तो हम बैठे हों चाहे खड़े हों, लेकिन हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए, तभी हमें पूरा फायदा मिलता है। इसको करने से हमारे फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, फेफड़े साफ होंगे, खून साफ होगा, हमारी कब्ज टूटती है, और भी बहुत से लाभ हैं। जब आप इसको करेंगे तभी इसके लाभ से अपने आप को देख पाएंगे कि इससे कितना फायदा होगा। तो सभी को हमारी टीम बाद में अलग अलग समझाएगी, कोई भी व्यक्ति बिना समझे नहीं जाएगा। पेट साफ हुआ, प्राणायाम हुआ, सुबह सुबह सूर्य स्नान करना है, सन बात करना है, अग्नि तत्व को लेने के लिए। सुबह सुबह जब सूर्य की कच्ची धूप होती है, कपड़ों को उतार के अपने शरीर के ऊपर धूप को लगने दें। अगर धूप से शरीर गर्म हो जाए तो धूप को छोड़ दीजिए, अंदर के भागों में थोड़ा सा पसीना आ जाए तो धूप को छोड़ दीजिए, धूप तेज हो तो सिर को ढक के रखिए, शाम को भी धूप ले सकते हैं, कच्ची धूप, जब धूप के अंदर रोशनी होती है, गर्मी नहीं होती, इसको कहते हैं सूर्य स्नान, सन बात। दूसरा वायु स्नान, हवा स्नान, हमने कपड़े उतारे, वायु चली, हमारे शरीर को स्पर्श करके जा रही है और हमें मालूम पड़ रहा है कि हवा चल रही है, उसको कहते हैं वायु स्नान। सूर्य स्नान कीजिए, वायु स्नान कीजिए। अगर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हों, उनको बिना कपड़ों के ही खेलने दीजिए। छोटा बच्चा, अगर हम उसको कपड़े पहनाते हैं, वो रोता है, बच्चा कहना चाहता है मैं वायु स्नान ले रहा हूँ, मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई प्राइवेट जगह घर में ना हो तो सफ़ेद रंग के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े, सूती कपड़े पहन के सूर्य स्नान, वायु स्नान का लाभ लिया जा सकता है। प्लिस्टर के कपड़ों में ये लाभ नहीं मिलता है। उसके बाद ये क्रियाएं करने के बाद थोड़ा कोई योगासन कर सकते हैं, कोई व्यायाम कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं, तेज़ी से चलें मगर दूसरे की नकल करके नहीं। और कितने किलोमीटर चलें, चलते चलते जब हल्की सी थकान आ जाए आप छोड़ दें, आपके लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज करने के बाद अगर सोने को मन करें तो एक्सरसाइज की ओवर ईटिंग कर ली गई है, अधिक हो गया है, नुकसान होगा। अगर शरीर में ताजगी हो तो एक्सरसाइज ठीक करी है आपने। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग ले। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09953722272।